पढ़ के देख लिया ये देखो जी सो खत्म हो गई जी आदमी की रोक आपका है जी देखो जी ऐसा काम 20 घंटों के बाद ये हाल है एक और लो जी ये देखो जी ये बुरा हाल है कटी बिल्कुल खत्म है जी इसमें कोई दम नहीं है 1% भी नहीं है यो देखो ना साहब ये देखो 20 घंटों कंडी वाला को ने रुआ के तो घास बना दी और क्या तू तो ऐसा कर दियो भाई सब्जी बड़ो आके मां कर तुलाक रखे सब ये क्या है सारा कल 2 बजे ओड़े पड़े थे और अब तक लगभग 12 बज चुके हैं। 200 ग्राम का तो बहुत से है जी इनमें 19 घंटा होगा करीब अब तक भी ये हाल है कि यहाँ देखो ये तो घास बना दे पूरा हो जी ये देखो अब तक भी ये पूरा दिखाओ कितनी तबाही है ये तो बिल्कुल ही खत्म कर ये देखो ओले देखो बहुत बुरा हाल होगा अब तक भी देख लो साइज इसका कितना है और 19 घंटे हो गए इसको ये देखो 19 घंटा हो गया इसको 19 घंटे हो गए गेहूं को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया कितना बिल्कुल बिल्कुल सारा गेहूं खराब सारा गेहूं की बात पहले कभी आपने देखा है 100 साल की होगी तो 100 साल में आपने कभी देखा ऐसे ओड़े कभी पहले पड़े थे कभी पहले भी आए थे ऐसे ओड़े घना पड़े सी तो फसल पूरी खराब होगी ये देखे जी दादी कह रही है 100 साल की होगी और आज तक ऐसी बारिश ओड़े नहीं आए जो पक्षी हैं वो भी ओड़ों के अंदर ओड़ावस्ती से मरे हैं तो किसी ने निकलवानी शुरू ही नहीं नहीं जी सारी थोड़ी पिंगल का नीचे चलो खत्म हो गई जी देखो जी 20 घंटों के बाद ये हाल है एक और लो जी ये देखो जी ये बुरा हाल है कटी बिल्कुल खत्म है जी इसमें कोई दम नहीं है 1% भी नहीं है यो देखो ना साहब 20 घंटों के बाद ये हाल है सब सब 24 घंटों के बाद बीच में कड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा राम जी ने हमारे लिए सब नष्ट कर दिया सिल्ली की सिल्ली से मेरी ही है तो भाई
सिल्ली बन गई ना सिल्ली बन गई है ये सिल्ली है तीन चार दिन पिंगला पड़ता पड़ता ऊपर खड़ा होता है ना तो लुक का क्या रस्सी है बर्फ का है मारी है सिल्ली की सिल्ली बन गई है 16 तारीख से बारिश 16 तारीख से कंटिन्यू चल रही है शाम से और अब तक ओले पिंगले नहीं है 100 ग्राम का तो अभी अभी है शाम को 19 घंटे के लगभग हो गया है। हाँ बहुत बुरा हो रहा है जमींदार मर गया जी। एक यूनिक चीज एक अलग चीज हुई है जैसे पूड़ियों में तो बहुत कम मार होती है लेकिन यहाँ जो पूड़ी कटाई कर रखी थी गेहूँ की वो भी नहीं है। कल यहाँ पे SDM साहब भी दौरा करके गए हैं देखो जी उनको भी बुलाया गया था ये देखो ये आलू हो रहा है जी ये देखो जी मैं दिखाऊं आपको देखो ये देखो जी देखो ये देखो ये हाल हो गया। एक किसान पूरी साल मेहनत करता है और आखिरी में उसको ये रिजल्ट मिलता है तो बड़ी विडंबना है तो सरकार से आपने पता कितना खर्चा हुआ जमींदार का सरकार से यही गुजारिश है कि किसानों का ध्यान रखते हुए इनके हित में सोचते हुए और स्पेशल गिरदावरी हो क्योंकि एक समस्या भारी ये हो रही है कि किसी ने ऑनलाइन किया है किसी ने इंश्योरेंस नहीं किया इंश्योरेंस किया है उसने ऑनलाइन नहीं किया किसी की खेवट में किसी ने चढ़ा दिए किसी की खेवट में किसी ने चढ़ा दिए तो एक ये जरूरी है जो मुआवजा पहले बनाती थी सरकार जैसे 2015 में मुआवजा बनाया था उससे अलग बनाया वैसे ही पटवारियों के द्वारा उसी इसी तरह से जिसके 2 किले हैं उसके 2 किले का 3 किले का 2 करनाल का उस तरह से यहाँ पे मुआवजा बटे और एक बुडेन पर्टिकुलर एरिया में ये मार हुई है एक तरह एक अलग तरह का थंडर है क्योंकि कल SDM साहब यहाँ पर आए थे मैं भी मौजूद था हमने बुलाए थे साहब को तो वो भी ये देख के गए हैं और उन्होंने ये बात बताई है कि भाई यहाँ तो चीज यूनिक है अलग है चीज SDM साहब की गाड़ी का टायर इतना चला थोड़ा हाँ कल वो बिल्कुल जैसे ही बारिश शुरू थी ओले समाप्त हुए थे उसी समय उन्होंने दौरा कर लिया था तुरंत प्रभाव से इसके लिए धन्यवाद करते हैं और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर में भी ये चीज नोट करवा दी है उन्होंने कहा है CM साहब से भी बात करवाएंगे तो वहां भी तक भी बात पहुंच चुकी है और आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुंचे किसानों के हित में सोचा जाए क्योंकि हमारा अन्नदाता किसान ही है जी। आप कुछ कह रहे थे हाँ जी मैं कह रहा था एक एक फुट ओड़ा चढ़ेगा SDM साहब की गाड़ी का टायर गर गर जाए था उसका मैं ओड़ा कितने बजे की घटना है कितने बजे आए ये आज सवा दो बजे आए थोड़े सवा दो बजे अच्छा SDM साहब आज ये कितना कितना क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है ओड़े से पूरा ही है पूरा बुडीन है बुडीन की सीम क्योंकि परली साइड कल दुलोठ में भी नहीं पड़े 16 में भी कम है बड़ाइचा है लेकिन बुडीन में पर्टिकुलर थोड़े आसपास के गांव में आए हैं कल लेकिन बुडीन में तो बहुत एक अलग तरह का थंडर कह लो थंडर स्ट्रॉम कह लो अलग तरह का ही चीज़ हुआ यहाँ पे हमारे 80-90 साल के बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी तबाही ऐसे ओले देखे ही नहीं आज तक ये हुआ है तो आपका भी बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए हमारी बातों को आगे पहुँचाएं और लोगों को उचित मुआवजा मिले।